नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि गुरुवार है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सॉरी निफ्टी की एक्सपायरी है, बट एक आंकड़ा और जो कि इस दिन रिलीज होता है वो होता है TRP के आंकड़े और व्यूअरशिप के आंकड़े। और मौजूदा हफ्ते में जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर आएंगे उसके मुताबिक लगभग 63.5 फीसदी व्यूअर्स ने CNBC आवाज़ को वरीयता दी। जब बाज़ार को समझने की, देखने की, परखने की और ट्रेड करने की जब सोच होती है तब वरीयता CNBC दी जाती है। इस हफ्ते CNBC आवाज़ का मार्केट शेयर लगभग 63.5% और इस ये जो सोर्सेस आपके स्क्रीन पे हैं, बाकी आंकड़े हैं और इस प्रोत्साहन के लिए और इस हमारी सफलता में आपके योगदान के लिए और हम पर भरोसा जताने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। 63.5% मार्केट से CNBC आवाज़ का। एक बार फिर से CNBC आवाज़ की बादशाहत बरकरार। अब आते हैं बाजार पर। थर्सडे एक्सपायरी डे, आपकी स्क्रीन पे इट्स 21163। आज सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट्स का मूड US का ठीक नहीं था। कल अगर आप देखें शार्प सेल ऑफ था हमारे सेल ऑफ के बाद, बट याद रखिएगा हमने एक बड़ा सेल ऑफ ऑलरेडी कल देख लिया था और आज जो सुबह हमने बातें कही थी उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। अगर आपने उसको एग्जीक्यूट किया हो तो उससे अब तक क्या मिला उसको भी देखते हैं। सुबह की अप्रोच क्या थी, ये लेवल्स आपके स्क्रीन पे आएंगे और वो लेवल्स क्या थे, दैट्स 21030, 21030 और लगभग 20991। ये ट्रेजेक्ट्री जब तक वॉलेट ना हो तब तक शॉर्ट नहीं करना है, हमें इस ट्रेजेक्ट्री के पास शॉर्ट नहीं करना है। ये है एक्सपायरी डे पे निफ्टी का ऑप्शन बेस। 21030 वही जोन है जहां से पिछले बुधवार को हमने एक गैप अप दिया था और देखिए वहां से बात हुई थी, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, थर्ड या फोर्थ लाइन में जाके देखिए, इफ वी होल्ड बेस 1 दैट्स एक्सपायरी बेस अ पुल बैक टूवर्ड्स 21230, लगभग 21240, वो क्या था, रेजिस्टेंस 1 R1 लेके आइए स्क्रीन पे, वो वहां तक का पुल बैक पॉसिबल है। और आप यकीन मानिए इस वक्त के जो स्टैट्स जो मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा वो ये कहते हैं कि अ स्विंग टुवर्ड्स 21190 और 230 लुक्स पॉसिबल। अहम योगदान HDFC बैंक का है, अहम योगदान रिलायंस का है। और अगर याद रखिएगा, मतलब मैं अभी उससे ऊपर की कमेंट्री नहीं करूंगा, हमें शॉर्ट अगर सुबह करना था तो हमें शॉर्ट करने की ट्रेजेक्ट्री नहीं मिल रही थी। ये मैंने प्री ओपन में आपको बोल दिया था कि दिस इज नॉट अ जोन टू गो शॉर्ट। शॉर्ट जाने के लिए ट्रेजेक्ट्री कंफर्टेबल थी, रेजिस्टेंस 1, बट वो नहीं हुआ, हम लोअर एचेस मिले। क्लियरली मेंशन था फॉर अ पुल बैक ट्रेड और टू कवर शॉर्ट, जो हायर लेवल्स पे आप करें बेस 1 ये सबसे पर्याप्त लेवल है। अब इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। याद रखिएगा एक सीवियर प्राइस डैमेज कल हो चुका है, हमें एक डिफरेंट क्लस्टर मिला था आज ट्रेड करने के लिए, जिसका बेस था 21000 और जिसका रेजिस्टेंस था 21200। क्यों? क्योंकि कल जितने भी कॉल राइटर्स सिस्टम में आए थे कल के कोलैप्स के बाद वो प्लेस थे 21400, 500, 600 की ट्रेजेक्टरी में। प्लीज स्टैट्स लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, ये स्टैट्स हैं। अब आप एक चीज देखिए जो मैं आपको सुबह ड्रॉ करके दिखा रहा था कि हमें तेजी तब तक हायर लेवल्स पर नहीं करनी है जब तक कि 21200 की ट्रेजेक्टरी पार ना हो जाए। और आप देखिए अगर आपने सुबह लोअर लेवल्स पर बाय किया था तो आपको हद से हद वो इस स्टैट्स के मुताबिक वो ट्रेड रखना है सिर्फ 21180 और 21210 तक का। फर्दर स्विंग इन निफ्टी, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, एक्सपायरी जोन को बाइसेक्ट करके बाहर निकल जाना, वो तभी होगा जब आप 21230 की ट्रेजेक्टरी को बाहर पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अब 2.5 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, यानी हमें जो ट्रेड जोन मिली थी फ्रेंकली स्पीकिंग आज मात्र 200 पॉइंट्स की मिली थी और उस 200 पॉइंट्स में से लगभग 150 पॉइंट्स ऑलरेडी स्क्रीन पर जा चुके हैं। और 21000 फॉर द डे, जिस जोन को आज हम छोड़ के आए बट सिक्योर करके आए, वहां पे करीब 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है जिसमें से 3 करोड़ का एडिशन आज हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि सुबह अगर आपने बेस बाय किया हो तो आपको एक अच्छा पुल बैक ट्रेड मिला था। सेम, हालांकि अब मैं कहूंगा कि देखिए अब बहुत कुछ बाकी नहीं है इस ट्रेड में। मैं होता और अगर सुबह मैंने उस बेस को बाय किया होता तो मैं इन स्टैट्स के मुताबिक उस ट्रेड से ऑलरेडी एग्जिट कर चुका होता। फर्दर स्विंग तब आएगा जब आप 21230 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएंगे। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। एग्जैक्टली पैरेलल पिक्चर थी यहां पे। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, देखिए हमें लॉन्ग एक फ्लैट ओपनिंग के बाद, क्योंकि SGX निफ्टी एक समय बिल्कुल फ्लैट भी था,
हमें लॉन्ग तब तक नहीं करना था जब तक कि जो 540 और 710 की ट्रेजेक्ट्री RS1 लेके आइएगा, जब तक ये पार ना कर जाए हमें सेल ऑन राइज करना था। लेकिन हमें मिला क्या, हमें मिला आज बेस। बेस लेके आई इसके पे, बेस के पास कमेंट्री में क्लियरली लिखा था ऑल शॉर्ट ट्रेड्स कवर करिए यहां पे, और फॉर ए पुल बैक ट्रेड्स 47110 930 की ट्रेजेक्ट्री सबसे बेहतरीन होगी। और वहां से आप यकीन मानिए अब तक 350 पॉइंट्स का पुल बैक आ चुका है। याद रखिएगा जब तक बेस वन वॉलेट नहीं होगा डिसाइसिवली, क्योंकि इस सेशन का अभी सब्सटेंशियल पार्ट बाकी है, अभी तो काफी पिक्चर बाकी है, तब तक हम 20 डे की कल्पना नहीं करेंगे। याद रखिएगा 10 डे और 20 डे माह के बीच में तो दो जोन परसिस्ट करते हैं, वो है आज का बेस वन, वो है ऑप्शन बेस फॉर दिस एक्सपायरी। आइए जरा निफ्टी बैंक के इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। जो 6 स्ट्राइक्स हम इस वक्त एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे वो है कल की वही स्ट्राइक्स जहां पर सबसे कॉल कंसंट्रेशन था ज्यादा और पुट कंसंट्रेशन था। अब देखिए आपके स्क्रीन पे, अगर आपने वो लॉन्ग ट्रेड लिया था मॉर्निंग में तो याद रखिएगा एज पर दैट अप्रोच वो ट्रेड आपको 47,450 पे लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इस सेशन के लिए ऑल दो ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है बट स्टिल 18,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और 47,000 जो कि एक रिवर्सल पॉइंट था, जो कि एक बेस पॉइंट था, वहां पे एक साइजेबल OI एडिशन है 29,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। फिर मैं कहूंगा वो मॉर्निंग का जो पुल बैक ट्रेड था वो अब स्क्वायर ऑफ करने का वक्त आ चुका है। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत गुड आफ्टरनून, आपकी अप्रोच प्रशांत इंडस्ट्रीज पे फिर स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे। जी विनय जी गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें तो हम करीबन 21,260-21,270 के जोन के बीच है, और यहाँ से जो अहम लेवल होगा एक मोमेंटम के हिसाब से वो होगा 21,325। मुझे लग रहा है यहाँ तक निफ्टी कंफर्टेबली आएगी, बट जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव है उसके लिए 21,325 फ्यूचर्स में बहुत अहम होगा। इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते तो शायद हम और 70-75 पॉइंट की रैली देखकर 21,400 तक कंफर्टेबली जा सकते। अभी क्या करना चाहिए, तो जिनके पास लॉन्ग्स हो मुझे लग रहा है पोजिशनली आप 21,180 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में ट्रेल कीजिए कंफर्टेबली 70-75 पॉइंट करंट प्राइस से नीचे रख के। और मुझे लग रहा है आप जो ऊपरी लेवल मैंने रेजिस्टेंस का कहा 21,325, तो यहां तक अगर निफ्टी आ जाए फ्यूचर्स में तो एक बार प्रॉफिट बांधना काफी बेहतर मूव होगी, और अगर 325 के ऊपर सस्टेन करे क्लोज करे तो हम फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं एक ब्रेकआउट के हिसाब से। तो फिलहाल मुझे लग रहा है इस रेंज को प्ले करना जरूरी होगा, एक बार इस रेंज के बाहर हम डिसिसिवली आ जाए तब हम एक मोमेंटम ट्रेड भी ऐड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक प्रशांत जी, निफ्टी बैंक पे अगर हम देखें तो हमने जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 48,000 उसको छुआ था, फ्यूचर्स उसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अभी अगर हम देखें हम 47,530 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं 47,530। मुझे लग रहा है कि 47,200 एक बहुत अहम लेवल होगा फ्यूचर्स में मेक और ब्रेक के हिसाब से, और ये आपको स्टॉप लॉस रखना होगा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है तो 47,700 करंट प्राइस से लगभग 200 पॉइंट ऊपर, अगर हम उसके ऊपर सस्टेन करें मुझे मेरे हिसाब से हमें मोमेंटम बाय वहां करना होगा और स्टॉप लॉस करंट लेवल पे यानी 47,500 पे रखना होगा। फिलहाल यहाँ पे भी इस रेंज को ध्यान में रखेंगे यानी 47,700 अगर आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे फ्यूचर्स में, और करंटली 47,300-200 के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रहें। ओके निफ्टी निफ्टी बैंक पे याद रखिएगा दोनों कमेंट्रीज, और प्रशांत ने जो टिप्पणी करी है फ्यूचर्स के बारे में टिप्पणी करी है, यहाँ पे स्लाइट आई थिंक डाइवर्जेंस है प्रशांत और मेरे व्यू में। मैं जिस प्राइस की बात कर रहा था, प्रशांत अभी अपने ट्रेड को और एक्सटेंड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की बात कर रहा था, और मेरा एक तर्क और था अगर बेस वन आज टूटता है लेटर हाफ में तो 20 डे माह का जो जोन है वो खुल जाएगा, बस थोड़ा सा बात को क्लेरिफाई में कर रहा था। खैर प्रशांत आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स जिनको आप चेज करना चाहेंगे आज वो क्या रहेंगे? जी वीरू जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है केमिकल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग टेलविंड है और एक अच्छी डिप आरती इंडस्ट्रीज में आई है। मेरा फर्स्ट पिक वही होगा, स्टॉप लॉस होगा 570 स्पॉट, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो एक हायर टॉप स्विंग हाई देख रहा हूँ वो होगा 620 का 620। नेक्स्ट पिक मेरा होगा PSU बैंकिंग बास्केट से जो लीडर है SBI, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 624, जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 655 का। और जो लास्ट पिक होगा मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छी डिप मेटल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट मूवर जो हिंडाल्को उसमें आई है,
तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 540 540 और टारगेट रखेंगे 570 से लेके 575 570 टू 575। तो ओवरऑल आरती इंडस्ट्रीज, एसबीआई, हिंडालको, ये तीन मेरे चॉइस हैं। ओके, आरती इंडस्ट्रीज, हिंडालको और आईएसबी, क्या 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 था ट्रेड? आरती इंडस्ट्रीज, हिंडालको और तीसरा एसबीआई। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे जी एसबीआई। अच्छा एसबीआई, अच्छा एसबीआई पिक किया आपने। ओके एसबीआई, एक बार एसबीआई को देखते हैं। अब 638 क्या कर रहा है? ओके एसबीआई ने एक कल केंद्रीय रिवर्सल दिया था, बट आज 10 निमा की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करता हुआ, गौरतलब है कि 10 निमा के ऊपर से रिकवर हो गया, दैट्स गुड। अभी तक इसने 30 नवंबर से लेकर अब तक कभी 10 निमा की ट्रेजेक्ट्री को नहीं छुआ था, आज अच्छे गेंस दिखाता हुआ। अब दो स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं जिन्होंने सुबह उस बेस को होल्ड करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट्स ट्रेडिंग एट 2550, और एक और स्टॉक रखेगा, दैट्स एचडीएफसी बैंक। प्रशांत, कल भी आप जब मेरे साथ उस चर्चा में थे क्लोजिंग में, मेरे ख्याल से तब हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक पे, और क्लियरली मैंने आज सुबह भी कहा इनफैक्ट कि डिलेमा बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने में आज ओपनिंग के बाद ये है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग इन स्टॉक जो बैंक निफ्टी के लिए मैटर करता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी बैंक, उसका टेक्सचर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। स्क्रीन पे फ्लैग का ब्रेकआउट है, डेली चार्ट्स पे कुछ गोल्डन क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। ये पारी को आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल बना था शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। एचडीएफसी बैंक नाउ एट डे हाई, प्लस याद रखिएगा ये अगस्त के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। आपका व्यू इस वक्त एचडीएफसी बैंक पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? जी वीरू जी, एचडीएफसी बैंक जो आपने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर रहा है, और तीन चार दिनों पहले जो वॉल्यूम आया है उस हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको बाय लिस्ट में रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आइडियली पोजिशनली होना चाहिए 1645, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 1655 1660 के बीच भी रख सकते हैं, और यहाँ से ये मूव अगर सस्टेन करे तो आपका फर्स्ट लेवल होना चाहिए 1710। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक जब तक स्ट्रांग है बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा, और उसी के सामने मैं जब रिलायंस को देखता हूँ तो यहाँ पे कल की प्राइस एक्शन डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव थी, बट आज हम उसको नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो 18 तारीख को एक गैप सपोर्ट मिला हुआ है तो वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है करीबन 2520 का, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2525 2525 का स्टॉप लॉस रख के हमें बने रहना चाहिए, पोजिशन ऐड करनी चाहिए, 1% हमारी रिस्क होगी। यहाँ से पिकअप हो जाए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2600, और 2600 के ऊपर अगर एक्सपायरी वीक में रिलायंस सस्टेन करे मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रांग आ सकती है, बट फिलहाल 2600 का टारगेट और 2525 का स्टॉप लॉस रख सकते। ओके अब हमने तीन स्टॉक फ्यूचर्स प्रशांत के डिस्कस किए, निफ्टी निफ्टी बैंक डिस्कस किया, और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक डिस्कस किया। मीनवाइल इस टर्बुलेंस से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सिक्योर, थोड़ा अगर आप देखें सेफ स्पेस लग रहा है, दैट्स निफ्टी फार्मा। एक बार इंडेक्स निफ्टी फार्मा लेके आइएगा एट 1624 डे हाई पर, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है लोअर लेवल से, और ओरो फार्मा एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। इट्स थर्सडे, मेरे ख्याल से मेरे पास दो सेशन हैं अभी एटलीस्ट इस मंथ की, मतलब कॉल्स खेलने के लिए। प्रशांत जरा औरों को देखिएगा, इट्स 1058, ये अब एक अच्छे फ्लैग ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ, एक बार 1060 की कॉल रखेगा स्क्रीन पे, बस थोड़ा सा इसको अप्रोच करने के लिए कि डेटा क्या कह रहा है। इस फ्लैग को मतलब खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, 1060 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वही दिखाइए जरा एक बार। प्रशांत इस कॉल को चेस करना चाहिए, ग्लेनमार्क ये है 2665 पे, लेकिन दिसंबर की है ये 2665 पे। जी वीरू जी, अभी जी वीरू जी अभी ऑलमोस्ट 2627 जी वीरू जी अभी ऑलमोस्ट 2627 के जोन में चल रही है ये, मुझे लग रहा है 32 तो तुरंत पहुंच जाएगी आज ही शायद, बट इसके इसमें ज्यादा मोमेंटम आएगा 32 के ऊपर। करंटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखिए 22 पे, और इसको 32 के ऊपर और ऐड कर सकते हो आप, 32 तो मुझे लग रहा है कम से कम आएगा, और 22 का स्टॉप लॉस फिलहाल रखिए, 35 का टारगेट, और यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम आए कि आपको 40 42 तक भी एक्सपायरी के पहले लेवल्स दिखा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक अच्छी कॉल होगी। ओके ये बात हो गई यहाँ पे अरविंदो फार्मा की, निफ्टी फार्मा इंडेक्स डे हाई, और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन इस
आई थिंक आपको जो बेस ट्रेजेक्टरी थी उसको डिफेंड करने का मौका दिया उसने। खैर, एक ब्रेक का वक्त, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। थोड़ा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी अभी वहीं उसी लेवल पे करीब करीब 21,182 और निफ्टी बैंक लगभग 47,370। अब आते हैं आज के स्टॉक ऑप्शन पे, सस्ता ऑप्शन पे जो कि आपको चेस करना चाहिए आज सेकंड हाफ के लिए। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, टीवीएस मोटर्स में जो डिप आई है वो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग स्टॉक में डिप आई है, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मोमेंटम बढ़ सकता है। तो इस मोमेंटम को एक सस्ते ऑप्शन के जरिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी जो जनवरी की 2000 की कॉल है, जैन मंथ की, करीबन 55-56 के जोन में चल रही है, या इसको हम 35 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे 35, और टारगेट रखेंगे 75 और टारगेट टू 90। ओवरऑल मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर्स एक अच्छी मूव यहाँ से देख सकता है और टू व्हीलर स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ऑप्शन के जरिए। ओके, टीवीएस मोटर्स की कॉल पिक करनी है आपको, ये डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, इस ऑप्शन को आपको चेस करना है 2000 का 75-90 के लक्ष्य के लिए और लगभग 57-70 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। ब्रेक से पहले हम वो उस, ये आज का सस्ता ऑप्शन है, ब्रेक से पहले हम उस अरविंदो फार्मा की कॉल की बात कर रहे थे, उस वक्त वो करीब 28 के आसपास ट्रेड कर रही थी, 31-35 पे आके ट्रेड करती हुई अब वो डे हाई पर आ चुकी है, वो स्विंग उस ऑप्शन में काफ़ी अच्छा खासा था। मीनवाइल निफ्टी जो फार्मा इंडेक्स वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो एक के बाद एक डिफरेंट सेक्टर्स, पहले रिलायंस, फिर उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद IT, अब फार्मा, तो ये जो ब्रेथ है वो लगभग 9:30 से लेकर 12:20 के बीच में लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। पर याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लस्टर 21200, निफ्टी बैंक का चार्ट और निफ्टी का चार्ट दोबारा लिखाइएगा, 21200-230 मेक और ब्रेक फॉर सेकेंड हाफ, और बैंक निफ्टी के लिए 47,500-550 सेकेंड हाफ के लिए सबसे क्रिटिकल। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज में निगाह रखी आपने। फिलहाल एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।